आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन। हम बात करेंगे कैसे सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में प्रोटेक्शन का पार्ट रहेगा, सीड को प्रोटेक्ट करने के जो तरीके हैं इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि सीड को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, राइट सर। सीड को, किसी भी सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपकी इजाजत के बगैर आपके डेटा में किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना कर सके। तो जैसे कि आपके सामने डेटा है, मैं चाहता हूं इसमें कोई भी डेटा एडिट ना कर सके, तो मैं सीट के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट सीट करूंगा और यहां पे हम एक पासवर्ड डाल देंगे और फिर पासवर्ड को हम यहां कंफर्म करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब यहां पे कुछ टाइप नहीं कर सकते, बट यहां पे भी कुछ टाइप नहीं कर सकते, ओके। बट डेटा को आप कॉपी कर सकते हो सेलेक्ट करके, मुझे कॉपी भी डिसेबल करना है। तो कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, जो वापस सीट को अनाइट किया है, तो यहां पे देखिए अलाउ ऑल यूज ऑफ वर्कशीट टू, मतलब प्रोटेक्ट होने के बाद आप टाइपिंग वगैरह कुछ एडिट नहीं कर सकते, बट सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। अब कॉपी तो डिसेबल करना है, तो कॉपी तो डिसेबल नहीं हुआ, लेकिन आप यहां देखेंगे सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, मतलब कि ये क्या है चेकबॉक्स, जैसे कि पासवर्ड के बाद भी आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी परमिशन देने के लिए चेकबॉक्स है। जैसे कि मैंने फॉर्मेट से ओके कर दिया, पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो अब मैं कुछ एडिट तो नहीं कर पाऊंगा बट कलर कर पाऊंगा, सेल को फॉर्मेट कर पाऊंगा, ओके। दूसरी चीज, अगर आप पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड डालते समय जैसे आप ओके करते हो, क्लियरली यहां मेंशन है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी नहीं कहता कि आपकी पासवर्ड को हम रिकवर कर देंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पे लॉक सेल एंड अनलॉक सेल आता है, मतलब कि पासवर्ड के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसकी सिलेक्शन को अनचेक कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि हम जब सिलेक्ट करेंगे ही नहीं तो कॉपी करेंगे कहां से, इस तरह से हम कॉपी को डिसेबल कर देते हैं डेटा को बिना सिलेक्ट किए हुए। अब यहां पे हम बात करते हैं एक एरिया पे, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे। जब मैं सीट को प्रोटेक्ट करता हूं तो आप देखते हैं यहां पे सिलेक्ट लॉक से, यहां पे सॉरी प्रोटेक्ट ऑफ वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक से, जो आपकी लॉक सेल लॉक्ड है उसी पे प्रोटेक्शन अप्लाई होती है, ओके। तो प्रोटेक्शन हमारी उसी पे अप्लाई होती है। तो यहां पे हम तो यहां पे हम क्या कर हेलो, सकते हैं, हर सेल का एक फॉर्मेट होता है लॉक सेल, मतलब कि किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाओगे तो फॉर्मेट सेल के लास्ट वाला सेल था प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हमारा ये लॉक लगा है, तो जिस भी सेल पे लॉक लगा है वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें लॉक लगा है वो आपके प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और जिस पे लॉक नहीं लगा हुआ है वो आपके प्रोटेक्शन को सेव नहीं करता है। तो अब मुझे प्रोटेक्शन सपोर्ट नहीं करता है, अब मुझे अगर प्रोटेक्शन से बाहर रखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लॉक सेल को अनचेक कर देंगे। तो उससे पहले हम पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस एरिया पे चाहिए हमें, तो इस एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक, यहां पे हमने फॉर्मेट सेव और यहां पे अनलॉक लॉक्ड को हटा के अनलॉक कर दिया। अब मैं इसके ऊपर प्रोटेक्ट शीट करूंगा और पासवर्ड डाल दूंगा, तो मैं यहां पे टाइप नहीं कर सका बट यहां पे टाइप कर सकता। इसी का उल्टा करना हो तो मतलब मुझे इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, तो सिंपल सी बात है, हम पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसकी लॉक को हटा देंगे और वापस इस कलर वाले एरिया पे लॉक को लगा देंगे।
अब मैं यहां पे कुछ टाइप नहीं कर सकता, मतलब कि टाइप कर सकता हूं बट यहां पे टाइप नहीं कर सकता। अगर हम पासवर्ड डालेंगे तो सीट प्रोटेक्ट होने के बाद ही एप्लीकेबल होता है सारा। उसी तरह से आप कोई सीट को भी डिलीट ना कर सके, तो इसके लिए आप रिव्यू में जाएंगे और यहां पे आपके सामने प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखेगा। इस प्रोटेक्ट वर्कबुक को क्लिक करके इसमें पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए। आप यहां देखेंगे कि आपका किसी भी सीट को ना डिलीट कर पाएंगे, ना इंसर्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके अब क्या करना है, यहां से यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक वापस आपको करना हो तो अनप्रोटेक्ट कीजिए। पासवर्ड में नहीं डालता हूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं, इसलिए पासवर्ड मैंने इसमें नहीं डाला। आप पासवर्ड डाल लीजिएगा, समझ गए? ओके उसके बाद यहां पे अगर मान लीजिए कोई डेटा है आपकी और उस डेटा के ऊपर आप टेबल लगाना चाहते हैं, एक आपके सामने होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, तो एक तो है कि आप यहां से फॉर्मेटिंग कर सकते हो यहां से, बट यहां से फॉर्मेटिंग करने के बजाय फॉर्मेट एज ए टेबल में जाए और इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। लेकिन टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे कि आपने यहाँ पे टोटल रो कर दिया तो नीचे टोटल का ऑप्शन आ जाएंगे, जिसका टोटल करना चाहो उसको सेलेक्ट करो, क्या करना है सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, जो करना कर सकते हो। वापस इसको नॉर्मल में चेंज करना है तो यहीं पे कन्वर्ट टू रेंज दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल में आ जाएगा। दूसरा कि मुझे टेबल में नहीं जस्ट फॉर्मेट करना है, तो टेबल होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं होती है, तो आप जो है इसी में आपके सामने सेल स्टाइल दिखता है। अब यहां से अपने हिसाब से जो सेल की स्टाइल चाहिए ले सकते हो। उसके बाद इंसर्ट है, डिलीट है, किसी भी अगर रो इंसर्ट करना है इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस, इंसर्ट कॉलन, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट, यहां से भी सीट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट जनरली हम यहां से करते हैं बट वहां से भी किया जा सकता है। सेम उसी तरह से डिलीट, डिलीट सेल, डिलीट रो, इसका कंट्रोल माइनस शॉर्टकट होता है, इसका यूज कर सकते हैं, राइट बाकी फॉर्मेट में कॉलम की हाइट विड्थ है, सीट को रीनेम करना, ये चीजें तो मोस्टली आप जानते हैं, और प्रोटेक्ट शीट तो मैंने आपको बता ही दिया जो कि हमने राइट क्लिक करके किया था। अब इसमें हम एडिटिंग वाले पार्ट में आते हैं। एडिटिंग वाला पार्ट क्या कहता है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मुझे इसको नीचे तक लिखना है, तो आप कॉपी करके पेस्ट करते हो ना, आप सेलेक्ट करके यहाँ आपके सामने होता है कंट्रोल डी, और आपको राइट तक चाहिए तो कंट्रोल आर होता है, यहां पे राइट में हो जाएगा। ओके अब मान लीजिए मुझका इसका टोटल करना है तो आप इक्वल सम टाइप करेंगे, उससे अच्छा है कि आप अल्ट इक्वल प्रेस कर ले, अल्ट इक्वल ये ऑटो सम का शॉर्टकट होता है, अल्ट इक्वल, हाँ यहां पे देखिए कर्सर रख के पता चल जाएगा। ओके हाँ ऑल्ट इक्वल आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके साइड में क्लिक कीजिए, आप एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम ये चीज कर सकते हो। तो एवरेज करूंगा तो यहाँ एवरेज हो जाएगा, सम करूंगा सम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बगल में सॉरी इसके नीचे आप देखेंगे फिल है, फिल में डाउन समझ लीजिए, एक आपके सामने सीरीज है। सीरीज में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने डेट लिया, इसमें है तो बहुत सारी चीज लेकिन जो इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ, बाकी तो बेसिक चीज है तो क्या उसको सीखने में फायदा नहीं है। जैसे आपने डेट लिया और इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं, इसमें सब कुछ आता है। मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे ना आए, तो सीरीज में आके देखिए आपको यहाँ पे वीक डे दिखेगा, वीक डे सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, इसमें सैटरडे संडे का डेट यहाँ से हट जाएगा। आपको हर महीने के मान लीजिए कि होता है ईएमआई रेट होती है आपको कि साहब आपको हर महीने की 7 तारीख को आती है, चाहे हर महीने की 1 तारीख को आती है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि महीना चेंज हो जाए बट डेट वही रखे, तो यहां सीरीज के अंदर यहां आपका मंथ है, अब मंथ को सिलेक्ट कर ले तो मंथ वाइज आ जाएगा। ओके लेकिन सर मैं कभी कभी डेट डालता हूँ ना, तो मैं अगर पहली जो डेट डालूंगा वो स्क्रॉल करूंगा तो वही डेट हमेशा आती है। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर वो डेट डेट फॉर्मेट में नहीं होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। फिर वो डेट डालिए, चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ डेट डालिएगा, डेट डालने के लिए आप यूज कीजिएगा महीना, जैसे आज का डेट डालना है तो 4th महीना 3 तारीख, ठीक है, या फिर आप इस तरह से डालिएगा 3-अप्रैल,
इस तरह से भी डाल सकते हैं। और इसको स्क्रॉल किया तो अलग अलग आएगी क्या ऑटोमेटिक? ओके टेक्स्ट में होगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी सिंगल को लगा के मैंने, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख दिया 04, इस तरह से लिख दिया, तो तब आपका जब ड्रैग करेंगे तो आपका गलत डेटा आएगा। ईयर आपका देखा, ईयर ऐसा ही, मेरा ऐसा ही है। हाँ तो डॉट मत लगाइए, डैश लगाइए। ओके ओके, जैसे कि आज का डेट डालना है तो खाए तो आप मंथ और दिन डाल दीजिए, या फिर 3/APR लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए। ओके क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये हो गया, उसके क्लियर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग बॉर्डर वगैरह लगा है और आपको हटाना है, तो आप सेलेक्ट करके डिलीट ना करें, डिलीट करने के बजाय आप यहाँ से क्लियर ऑल करें। सर क्लियर, और सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर कंटेन करना है, डिलीट करना है जस्ट, तो कंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपरलिंक कमेंट एंड हाइपरलिंक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, यहाँ से इसके लिए यूज होता है। ओके अब अगला चैप्टर आता है सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन का। तो चलिए एक बार हम कोई डेटा लेते हैं सॉर्ट करने के लिए। वैसे डेटा हमने ले लिया, अब शॉर्टिंग का यूज हो गया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे नेम है, ओके सर, अब नेम में हमारा जो पूजा है वो कई बार रिपीटेड है, मैं चाहता हूँ सारे पूजा एक जगह पे हो जाए, राइट सर। तो आप पूजा के ऊपर हेडिंग कर्सर रखिए और यहां से बस सॉर्ट A to Z कर दीजिए। तो देखिए सारे अमर नाम आ गए, अमर वाले सारे नाम आ गए, फिर उसका देव आ गया, ठीक है आपको सर, सारे नाम इकट्ठा हो गया। अब नाम के साथ साथ सिटी भी देखेंगे तो सिटी में भी दिक्कत है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार कहीं तो है, जैसे यहाँ पे आगरा है, ऐसे सिटी भी अनसिक्वेंस है ना। अब चाहते हैं कि नहीं मेरा नेम के साथ साथ मेरा सिटी भी आ जाए या प्रोडक्ट आ जाए, मतलब कि मुझे सॉर्ट करना है दो कलम के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। A to Z और Z to A एक सिंगल कॉलम के लिए होता है, ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ओके कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से एड लेबल कीजिए और यहाँ पे अपना जो नया देना चाहते हैं सॉर्ट ले लीजिए। जैसे कि मैं प्रोडक्ट के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, ओके तो यहाँ देखिए अमर और इसके प्रोडक्ट, राइट सर, और इसके सिटी भी उसी तरह से आ रहा है। तो एक से ज्यादा आप यहाँ यूज कर सकते हैं, 2-3-4 जो करना यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन मत कीजिएगा, सिलेक्शन तब कीजिएगा जब डेटा सिलेक्शन तब कीजिएगा जब आपके डेटा में कोई बिल्कुल ब्लैंक रो हो। अगर बिल्कुल ब्लैंक रो है तो डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टिंग समझ में आ गई आपको? हाँ सर। शॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर में क्या होता है, जो हमारा फिल्टर है, अब मान लीजिए कि मुझे इसमें सिर्फ जो है पूजा का देखना है, तो क्लिक कीजिए और यहाँ सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए और नीचे जाइए, आपको यहाँ सिर्फ पूजा का दिखेगा। मुझे पूजा में प्रोडक्ट वन चाहिए तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट वन को सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट वन का सेल है, तो बाकी क्या हो गया, डिलीट नहीं हुआ, बाकी हाइड हो गई हमारी। ओके फिर मैं यहाँ से अगर यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं आप, तो आपका पूरा दिख जाएगा। ओके इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने देव का फिल्टर किया और मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लिक तो कर सकता हूँ, इसके अलावा कंडीशंस के लिए आप देखिए नंबर फिल्टर है, राइट सर, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 50 कर दिया एंड ओके कर दिया, तो ये हमारे ग्रेटर देन 50 वाले सारे लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहां से क्लियर करता हूँ, यहां से भी क्लियर करता हूँ। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे टॉप 5 सेल चाहिए, तो नंबर में मैं यहाँ पे टॉप 10 टॉप 5 जो दे चाहिए वो आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके तो इस तरह से आप
फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर नेम के ऊपर कस्टम है, टेक्स्ट फिल्टर है, इक्वल डज नॉट इक्वल बिगेन भी, जैसे मैंने बोला कि जिसका नाम पी से स्टार्ट है वो आ जाए, तो पी से नाम वाले पंकज और पूजा यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए या फिर कंडीशन दीजिए, आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर समझ में आ गया? ओके हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ और दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब बात करते हैं फाइन एंड सेलेक्ट में। जैसे फाइन किसी चीज को ढूंढना है, कंट्रोल एफ कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई पूजा कहाँ है, तो पूजा डाला, एंटर मारा तो यहाँ पे पूजा आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइंड ऑल करूंगा तो इसमें जहां जहां पूजा है उसका लिस्ट यहाँ दिखा देगा। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर लीजिए, समझ गए? मुझे इस पूजा पे जाना है, क्लिक किया मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। मुझे इस पे जाना है, क्लिक किया यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन का पार्ट है। अब जैसे कि मैं सिर्फ सीट में देखना देख रहा हूँ, एक जो एक्टिव शीट उसमें जाएगा, मैं इस पूजा को ढूंढना चाहता हूँ पूरे फाइल में, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वर्कबुक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कहीं पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है, यहाँ पे मान लीजिए पूजा सिंह, सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ या यहाँ फाइन पे क्लिक करता हूँ, पूजा को सर्च करता हूँ तो पूजा सिंह को कर रहा है, समझे? तो नाम मिलता जुलता है, उसको भी कर लेगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ डाल दीजिएगा मैच एंटायर सेल कंटेन, मतलब कि मुझे सिर्फ पूजा जो हमने डाला है वही सेल में होना चाहिए, इसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं फाइन नेक्स्ट करूंगा तो सीधे पूजा पे जाएगा, पूजा सिंह को फाइन नहीं करेगा, समझ गए सर? मैच केस मतलब कि बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा फाइन करे, उसके इस्तेमाल होता है। रिप्लेस, मैं जितने पूजा है उसको पूजा सिंह करना चाहता हूं, तो यहां पे आप लिख दीजिए पूजा सिंह और यहां पे रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो ये आपको बताएगा कि 184 रिप्लेसमेंट इसने कर दिए, ठीक है सर। तो फाइंड किसी चीज को ढूंढने के लिए और रिप्लेस उस चीज को किसी और चीज से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे गो टू है। अब जैसे सिलेक्शन गो टू में अगर मान लीजिए कि अगर किसी सेल पे जाना चाहते हैं, जैसे कि आप B1 पे जाना चाहते हैं, एंटर मारिए तो B1 पे पहुंच जाइएगा। तो किसी लोकेशन का नाम याद हो तो गो टू से जा सकते हैं। ऐसे आप गो टू फॉर्मूला में जाना चाहते हैं, कमेंट पे जाना चाहते हैं या कोई डेटा रिलेशन लगा रखा है उस पर जाना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम मेनू के मैंने मोस्टली फीचर्स को कवर कर दिया है, फिर भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो चीज आपको लगेगी कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, हम आपको उस चीज को दोबारा सिखा देंगे। अगली टॉपिक आती है पिवट टेबल की, ठीक है सर। बट पिवट टेबल की टॉपिक थोड़ी सी एडवांस है। ओके क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि हम अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत सारे काम को पिवट टेबल से ही कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ऑफिस में क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट क्या है? समरी ऑफ द डेटा। और पिवट का काम होता है किसी भी डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो मेरे पास पिवट टेबल से बने कुछ रिकॉर्डिंग्स है, अगर आपको टाइम मिले तो देख सकते हैं, क्या बोलना है सर? ओके सर, मैं एक बार इसको भेज देता हूं आपको, मिलकर भी भेज देता हूं, बाद में भूल गया था। ईमेल आईडी क्या है? परेश मालू टू
हाँ ए आर ई बिल्कुल एस एच, ठीक है, हमने भेज दिया, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ओके और सर आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, बेसिकली हमें एनजीओ के थ्रू जाना है वॉलंटियर में, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घर नहीं और सर जा ये पाए हमारा खाना वो पहुँचाने कभी के लिए। होगा सर? ये क्या सर अपना वो टेबल जो वगैरह नहीं के टेबल में ऑटो सम और वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, हाँ वो कैलकुलेशन बोलते हैं उसको, फॉर्मूला, पिवट के बाद का टॉपिक है। ओके ओके। और ये फिर कल होगा क्या सर ज़्यादा देर? सैटरडे संडे में 2 दिन थोड़ा कर लो ना मेरा। ठीक है मैं टाइम एक बार निकालता हूँ, अभी तो मैं हाँ जा थोड़ा रहा हूँ, दिखा। अभी तो मैं जा रहा हूँ जो बहुत सारे अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, खाने वगैरह पहुँचाने हैं, खाने के ओके पैकेट्स, ओके। लोगों लोगों हाँ को क्या? लोगों को, हाँ हमारा एनजीओ चलता है ना हेल्थ टू एजुकेशन, ओके ओके तो ओके हर दिन जैसे हम लोग जो 8-10 लोग हैं तो उन सबको एक ही दिन बीच करके मिला हुआ है, तो फ्राइडे का टाइम मेरा है, मुझे फ्राइडे को जाना होता है, फिर सैटरडे कोई ठीक और है सर। ये जाएगा, थर्सडे कोई और जाएगा, अपना अपना गाड़ी लेके। चलेगा चलेगा सर। ठीक ठीक है फिर मुझे सिर्फ कल का टाइम बताना। ठीक है ठीक है। ओके सर।